होगा, ये आदमी झूठ बोल रहा है तो आई विल सेंड यू जेल टुडे। ये शख्स कौन है, ये कहाँ का इंजीनियर है? ये इंजीनियर है सर, मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ नगर निगम से। यू डोंट क्वालिफाइड टू बी एन एम्प्लॉई, व्हाट टू टॉक ऑफ एडिशनल कमिश्नर, तुम कितने सीरियस हो ये सामने दिख रहा है। एडिशनल कमिश्नर हैं, पन्ने पलट रहे हैं हाई कोर्ट में, एडिशनल कमिश्नर बने, धीरे भर का काम नहीं आता और यहाँ पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। सारा पैसा कुएं में डाल दिया तुम लोगों ने, लगता है ऐसा ही है। अब कौन ढूंढे किस कुएं में कितना पैसा गया? और अगर हमारे सामने पेपर्स नहीं आए, वी मे गिव सीरियस थॉट टू ऑर्डर फॉर CBI इंक्वायरी। और जितने यहाँ भीड़ लगा के ऑफिसर्स खड़े हैं, दे आर नॉट गुड, इट आर गुड फॉर नथिंग। देयर इज अ प्रोजेक्ट अमृत, जहाँ पे सीवेज पानी बह रहा है, प्रोजेक्ट अमृत में सीवेज का पानी बह रहा है। क्या बेवकूफ बना रहे हो जनता को आप लोग? If I recall correctly, I said very clearly, before I debit the office, I will ensure all facts are on record. So the next bench, when sees the record, it has all the issues in order sheet, how much money you have spent, in what respect you have spent, and how much money you require now for the repairs and laying, and why. But that regard to the expenditure which has been made by the corporation in different heads from 2014 onwards, that has been on record, Maharaj. That has been filed along with the status report. देखो ऐसा है, yes, अब you don't behave like a postman. Yes. You are a counsel. Yes. You are really compelling us to make such observations. It means you have not done any homework. Whatever he is putting in your ears, you are telling me. That compliance report has earlier been filed. Why have you not referred it? Show me. Yes. और जब पहले था तो उस दिन बताया क्यों नहीं हमको? Because that was filed by the state. कब फाइल किया आपने? On the last day. हाँ तो आपने बताया क्यों नहीं हमको उस दिन? क्यों बस घुमाते हो हम लोग को तुम? कहाँ लिखा है कितना खर्च किया किस सन में? अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है तो आई विल सेंड यू जेल टुडे। Yes. Who is poisoning your ear? Where is that stipulation? That since 2014 up till now, how much money you have spent? You remember my query? Yes, sir. Three queries. How much money have you spent from 14 up till now in the matter of laying of sewage line and repair sewage line, and which areas you have covered in that behalf? Yes, sir. Show me. वो सारी प्रॉब्लम क्या है? जब मुकदमा लगता है तभी फाइल खुलती है। और जितने यहाँ भीड़ लगा के ऑफिसर्स खड़े हैं, दे आर नॉट गुड, इट आर गुड फॉर नथिंग। कोई होमवर्क करके नहीं आता, ना आपको ब्रीफिंग लेने का समय आपके पास में, क्योंकि जो करना है हाईकोर्ट को करना है, हम क्यों दिमाग लगाएं इसका? ये शख्स कौन है ये? ही इज द OIC। कितने OIC आए? दे आर बिग जीरो। कहाँ का इंजीनियर है ये? इंजीनियर है सर, मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ नगर निगम से। कहाँ पे? नगर निगम में सर। यही पढ़ के आए हो तुम? You don't qualify to be an employee. What to talk of additional commissioner? You don't have no seriousness towards the court or court's obligation. तुम कितने serious हो? ये सामने दिख रहा है। Additional commissioner हैं, पन्ने पलट रहे हैं हाई कोर्ट में, ना कोई नॉलेज है ना कोई एक्सपीरियंस है। एडिशनल कमिश्नर बने, धीरे भर का काम नहीं आता और क्लेम कर रहे हैं, सब लिखा है हमने, और यहाँ पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। सारा पैसा कुएं में डाल दिया तुम लोगों ने, लगता है ऐसा ही है। अब कौन ढूंढे किस कुएं में कितना पैसा गया? कुछ काम किया तब तो कुछ लिखोगे। और अगर हमारे सामने पेपर्स नहीं आए, वी मे गिव सीरियस थॉट टू ऑर्डर फॉर CBI इंक्वायरी इन द वर्किंग ऑफ द कॉरपोरेशन राइट फ्रॉम 14 अप टिल नाउ। आई मीन इट, आई मे ऑर्डर इफ यू डोंट कोऑपरेट, एंड लेट ऑल दोज ऑफिसर्स हु हैव बीन मैनेजिंग द कॉरपोरेशन should be brought to books. It's a very shameful thing that nobody is ready. Mr. Khodi, आपके बस का है नहीं सर, क्योंकि आपके ऑफिसर्स आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और उसका रीजन दिख रहा है कि देयर सीरियस सस्पिशन नाउ अबाउट देयर कंडक्ट एंड डेमेनर इन द पास्ट। फॉरवर्ड के आओ और डोंट मेक स्टेटमेंट है जस्ट ऑन वॉट दे विस्पर इन योर ईयर्स। आपने कितने कॉन्फिडेंस से कहा है कि साहब पिछली पेशी मैंने ये कर दिया है और अभी तक वो सामने नहीं आया कागज।
सर, इसमें जब डायरेक्शन मिला था कि अमृत वन में जो हमारे यहाँ काम, देखो तुम्हारा नाम क्या है? सर विजय राज। विजय राज? राज विजय राज, तुम पिछली पेशी में थे कि नहीं थे? सर नहीं थे। सर थे, हमने क्या कहा था, 2014 से 2024 तक जो सीवेज लाइन में काम मरम्मत का हुआ है या लेइंग का हुआ है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कहा था कि नहीं कहा था? और आपके कमिश्नर साहब ने कहा था, साहब मैं आपको अवगत कराऊंगा। ये हमने सवाल क्यों उठाया था, क्योंकि आज जब मेन ट्रंक लाइन ले करने की बात आ रही है, तब भी आप आज की तारीख में भी रिपेयर्स और लेइंग की बात कर रहे हो, तो हम जानना चाहते थे कितना पैसा आप खर्च कर चुके हैं, कितना भी और खर्च करेंगे आप, उसके बाद ट्रंक लाइन की बात शुरू होगी। और दोनों ही बातें आप नहीं बता पा रहे हैं, और फिर अमृत में पहुंच गए तुम लोग अमृत काल को क्या समझे हुए हो? सारा काम, जितने तुम लोग के खुराफाती काम हैं, सब अमृत काल में ढक जाएंगे। ये अमृत काल है क्या? क्या है ये अमृत काल? ऐसा तो नहीं है कि अमृत काल के बहाने सब लोग सबको स्वर्ग का तुम चित्रण दे रहे हो कि स्वर्ग में ये सब हो रहा है, अमृत काल में स्वर्ग जैसा काम हो रहा है, जनता को मूर्ख बना रहे हो क्या? अमृत काल क्या है ये अमृत काल? सफाई कर नहीं पा रहे हो शहर की, अमृत काल की बात करते हो। जब कोई सवाल पूछो अमृत काल, ये कौन सा एक जादू का वर्ड तुमने ढूंढ लिया अमृत काल, ये है क्या मिस्टर खोत अमृत काल? देयर इज अ प्रोजेक्ट अमृत जहाँ पे सीवेज पानी बह रहा है, प्रोजेक्ट अमृत में सीवेज का पानी बह रहा है। क्या बेवकूफ बना रहे हो जनता को आप लोग, और हम लोग को भी नहीं छोड़ रहे हो। कोई सवाल पूछो अमृत, अरे अमृत काल छोड़ो, बेसिक काम तो करो अपने, जिसके लिए नौकरी कर रहे हो, जिसके लिए तनख्वाह पाते हो तुम, जिसके पब्लिक से तुम टैक्स लेते हो, और ये फिगर सामने नहीं आएंगी मेरे, तो मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ आपके खिलाफ, आपके मतलब पूरे वर्किंग के खिलाफ मैं सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दूँ। आप हमारे सामने फैक्ट्स नहीं ला रहे हो, हम सब रिकॉर्ड सीज करवा देंगे आपके। अभी आपने कि कान में कहा, साहब हमने सब पेश किया हुआ है, और दो सवालों के जवाब दे पा रहे हैं आप, कितना पैसा खर्च किया बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्या किया उन्होंने पैसों का, बट इज वेरी ऑब्वियस कितना पैसा एलोकेट हुआ 2014-24 तक आपको सीवेज लाइन के लिए, और क्या किया उस पैसे का आपने, दुनिया भर के कागज पेश करते हो बेवकूफ़ बनाने के लिए सिवाय असली कागजों के। और विजय राज, अगर तुमने अब गड़बड़ करी तो आई विल राइट अगेंस्ट यू। अगर तुम किसी जिम्मेदारी से यहाँ आते हो तो उस जिम्मेदारी को निभाओ। आज तो मैं इसको क्लोज करने वाला था केस को, सारी बातें लिख करके, लेकिन आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, और गफलत हो तो बता देना, हम वहाँ पे इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट पनपने नहीं देंगे हम। आप लोग अच्छा काम करो दीगर बात है, लेकिन जो पुराने लोग गड़बड़ कर गए हैं हम सब निकलवाएंगे हम। कि तुम लोगों ने सीवेज लाइन के नाम में बहुत पैसा लिया सरकार से, कितना खर्च किया तुम बता नहीं रहे हो, स्वर्णरेखा को रिवाइव करने कितना पैसा लिया तुमने, वो भी लाओ कागज। सीवेज लाइन के कितना पैसा लिया तुम्हें 2014 से 24 तक, लिखो कागज में। स्वर्णरेखा रिवाइव करने के लिए कितना पैसा आया, सीवेज लाइन मरम्मत और लेइंग के लिए कितना पैसा आया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कितना पैसा आया, गार्बेज इरेडिकेशन के लिए कितना पैसा आया, गार्बेज कलेक्शन के लिए कितना पैसा आया, और आज का स्टेटस बताओ, ये साफ साफ लिख के लाओ सब 2014 से 2024 तक का पूरा रोकड़ा चाहिए हमको। 596 करोड़ मांग रहे हो ना ट्रंक लाइन लगाने के लिए, जब देखे सही कितना करोड़ रुपया आया और क्या किया तुमने पैसों का, और स्पेसिफिक चाहिए इतना पैसा आया इस क्षेत्र में, हमने यहाँ पे सीवेज लाइन लगाई, यहाँ रिपेयर किया, फिर हम पूछते हैं आपसे कहाँ और रिपेयर करना है आपको। सर नमस्कार सर, सर एक सीवर की समस्या को लेकर सर मुझे भी कुछ बताना था। हाँ हम सुनेंगे आपको। मैं सर 2004 से सीवर के लिए परेशान हो रहा हूँ, और यहाँ नगर निगम के जितने भी अधिकारी आए हैं सर सब कुछ मालूम है,
कमिश्नर साहब से 20 बार मिल चुका, आज तक सर कोई उसका निराकरण नहीं हुआ। प्लॉट में दो मिस्टर खोज, इसका भी जवाब दीजिए। हमने लास्ट टाइम में पब्लिक को इन्वाइट किया था, पब्लिक से कोई भी आ सकता है सीवेज लाइन के बारे में बात करने के लिए, स्वर्ण रेखा के बारे में बात करने के लिए, और कचरा के बारे में बात करने के लिए। ये कंप्लेंट आई है इनकी, सिटीजन ऑफ ग्वालियर। मेरे प्लॉट से सर बिल्कुल वो ओपन जा रही है सर, और एक एक अधिकारी को मालूम है, कमिश्नर स्वयं निरीक्षण कर आए हैं और स्पष्ट कहना उनका कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर। देंगे जवाब, देंगे ये बंडे को जवाब देंगे। सीवर लाइन के मेन चैम्बर पर सर एक तो शौचालय बना दिया उन्होंने सरकारी, हमारी पर्सनल संपत्ति है सर, 1943 का लेआउट है सर, उसको मानते नहीं है ये लोग। आपने लिखा है शब्द? हाँ सर लिखा हुआ है। जवाब देंगे मंडे को।